नमस्कार दोस्तों, आपने तिरुपति भगवान के बारे में तो सुना होगा। वेंकटेश्वर एक ऐसे भगवान है जो हिंदू धर्म में बहुत पूजनीय माने जाते हैं। कहा जाता है वह पहाड़ियों पर रहते हैं, पहाड़ियों पर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ विराजमान है। वहाँ पर लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं। कहा जाता है अगर अपने सच्चे मन से भगवान तिरुपति की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप भगवान तिरुपति के मंदिर में जरूर जाएं। पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद आप भगवान के दर्शन करते हैं, सच्चे मन से करते हैं तो वह आपको आपकी झोलियाँ खुशियों से भर देते हैं। एक और बात है जो तिरुपति बालाजी के बारे में कही जाती है, यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं तो वहाँ पर अगर आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है तो उसके बाद आपको अपने बाल दान में देने पड़ते हैं। तो ये थे तिरुपति बालाजी की कहानी। तो जानते हैं आज तिरुपति बालाजी की क्या है कहानियाँ। एक बार कहा गया था ऋषि भृंग ने उनसे कहा कि आपके पैर पर तीसरी आंख है, तो उस तीसरी आंख के ज्ञान के लिए उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा दिए, सभी के दरवाजे खटखटाए। दरवाजे खटखटाने के बाद भी उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं मिला, लेकिन फिर वह पार्वती माता के पास गए। पार्वती माता से उन्होंने पूछा कि क्या तीसरी आंख के बारे में आप हमें कुछ ज्ञान दे सकती हैं, तो उन्होंने कहा इस ज्ञान के लिए आपको पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने होंगे। फिर वह भी चक्कर लगाने के लिए गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई हासिल नहीं हुआ। फिर वह विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने बताया कि तीसरी आंख तो आप ही हो, अगर कोई व्यक्ति आपकी पूजा करता है तो उसको तीसरी आंख का ज्ञान अपने आप ही हो जाएगा। तो ये थे तिरुपति भगवान के कुछ ज्ञान और संबंधित विष्णु भगवान और भृंग ऋषि के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि तिरुपति भगवान एक तीसरी आंख के ही भगवान माने जाते हैं। आप उनकी सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं और आराधना करते हैं तो आपके अंदर जितनी भी अड़चनाएं हैं और जितनी भी परेशानी है वह सारी दूर हो जाती हैं और आपके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आते हैं। भगवान विष्णु अपनी पत्नी पद्मावती के साथ अपने प्यार के लिए यानी कि शादी करना चाहते थे और शादी करने के लिए उन्होंने पैसे उधार लिए कुबेर जी से। पैसे उधार लेने के बाद उन्होंने तिरुपति मंदिर में ही शादी की। कहा जाता है यदि कोई भी प्रेमी अपनी शादी तिरुपति मंदिर में करता है तो वह हमेशा ही जिंदगी भर के लिए एक हो जाते हैं और कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तिरुपति मंदिर की बहुत अलग विशेषता है, यदि आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है तो आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तिरुपति मंदिर में जाइए, वहाँ आपकी इच्छा की पूर्ति अवश्य होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।